गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कसा गेला मग दसरा? गेले होते का कुठं फिरायला? मी तर नाही गेलो बा. गुड मॉर्निंग रश्मी, गुड मॉर्निंग चारवाक, गुड मॉर्निंग दाती, गुड मॉर्निंग कारमे, गुड मॉर्निंग नांदुरकर, सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग श्यामे. कुठे फिरायला विरायला गेले होते का? कोरोना वाटायला? माझा कोरोना तुला, तुझा कोरोना मला. तिथे एक लहानपणी आहे ना हे पाहायचो सिरियल, नाही पिक्चर होता. हा पिक्चर होता, माझ्याकडे दूरदर्शन होतं मी लहान होतो तेव्हा. म्हणजे मी तेवढ्या जुन्या काळातला नाही आहे जेव्हा फक्त दूरदर्शनच होतं माझ्या घरी दूरदर्शनच होतं फक्त. टी व्हीत काही कोणाचा इंटरेस्ट नव्हता. माझा इंटरेस्ट फक्त शक्तिमानमध्येच असायचा. शक्तिमान, श्रीकृष्णा, जय हनुमान, त्याच्यानंतर ते दामिनी सिरियल लागायचं एक. याच्यातच जास्त इंटरेस्ट मी बऱ्याचदा हे इंटरेस्ट जे होते म्हणजे ते एक्सप्लेन केलेले आहे, त्याच्यामुळे मी परत एकदा बोलत नाही. आणि त्याच्यावर एक सिरियल पिक्चर लागायचे दुपारी 4 वाजता सह्याद्री वाहिनीवर मराठीवर, त्यात एक पिक्चर असायचा, तो नेहमी लागायचा. त्याचं नाव मला आठवत नाही आहे. पछाडलेला. हा पछाडलेला. गुड मॉर्निंग. या पिक्चरमध्ये असंच राहते, माझा आत्मा तुझ्यात. म्हणते मग तुझं माझा आत्मा कुठं जाईल? दोन नाही 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 तुझा आत्मा बाहेर. ठीक आहे, असो सगळे जॉईन झाले जोक्सपाट. थोडंसं जीवावर येऊन राहिला आज, त्याच्यामुळे कदाचित तुम्हालाही थोडं जीवावर येईल. तर ऑफलाईन कधी चालू होणार बॅच? ये ना तू माझ्या घरी. मी काय नाही म्हटलं का? हा झपाटलेला आहे जलतारे चारवाक. माझ्या घरी ये, बॅच सुरू आहे. मुलंच आहे पण बॅचमध्ये फक्त काय. ठीक आहे, आय थिंक बरेच लोक जॉईन झालेले आहे. काही काही तर एकदम शांतच आहेत पाहतात, जसे मी डान्सचे व्हिडिओ टाकतो तसे, है ना, असे मस्त आरामशीर पाहतात ते शांतच आहेत. पाहू बघा. एक्सरसाइज नंबर 2.1 सुरू करतो आहे. बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं लूँगा, मैं बाकी काफ़ी मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल्स लेता हूँ. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा, 2.1 में स्टार्ट कर रहा. उसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ. तो थोड़ा सा ध्यान देना पढ़ाते समय. होमवर्क चेक केलं रे बाबा? केलं ना. गुड मॉर्निंग देशमुख. केलं ना? कोण देशमुख? भावेश देशमुख. अच्छा, पटपट घेऊ थोडंसं आपण. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ. ठीक आहे, बघा आता काय करायचं आहे. अतिशय घाणेरडा टॉपिक आहे. ठीक आहे, पुन्हा जसा मैंने बोला की मॅथमॅटिक्स में हमेशा दो टाइप चलता है, एक रहता कॅल्क्युलेटिव्ह पार्ट और एक रहता कन्सेप्च्युअल पार्ट. तो कन्सेप्च्युअल जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया है. कंसेप्चुअल जो है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं. कंसेप्चुअल क्या है कि कोई भी अगर एंगल है, समझ लीजिए आपके पास में ये है आपका थीटा, तो हम क्या करेंगे, ये जो है तुम्हारा एंगल, क्या क्या एंगल बोलते हैं हम इसे, इसका जो टर्मिनल ये है आर्म है,
इस पर हम एक पॉइंट कंसिडर करते, ये पॉइंट लेते हम ओरिजिन से आर इक्वल्स टू वन इतने डिस्टेंस पर, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, यहाँ पे हम बोलते एम, और यहाँ से सारे के सारे निकालते। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन आर आता है, सॉरी वाई अपॉन आर आता, कॉस थीटा बराबर आता है एक्स अपॉन आर, टेन थीटा बराबर आता है वाई अपॉन एक्स, है ना, साइन माने सामने वाली, कॉस माने बाजू वाली, टेन माने दोनों, बराबर है कि नहीं। मेरे सामने वाली अपॉन आर, मेरे बाजू वाली अपॉन आर, ठीक है, ये सामने वाली अपॉन बाजू वाली, या फिर ओए ओए अपॉन आर अपॉन आर, ठीक है, आप ऐसे भी इसको ध्यान में रख सकते। सो ये भी एक तरीका है ध्यान में रखने का। अच्छा, तो यहाँ पे गोल भी निकाला जाता है, यूनिट सर्कल, वो क्या निकाला जाता है, काय निकाला जाता है, इसका प्रयोजन क्या है, वो सब मैंने आपको बोल चुका हूँ। थोड़ा सा मुझे जान पे आ रहा, तो शायद शब्दों पर मेरा कंट्रोल नहीं रह रहा, जैसे मेरी हिंदी बड़ी स्ट्रांग है, तो ठीक है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ कैलकुलेशंस पर ध्यान दोगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। इज दैट ओके? देखो, आपको यहाँ पे निकालना है 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो मैं पढ़ा देता नहीं तो टाटा स्काई वालों को फोन आ जाते बीच बीच में, फिर पागलों के जैसे क्या है लॉन्च किया उन्होंने टेक, वही लोग बोलते थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इज दैट ओके? 0 डिग्री थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मैंने ले लिया। अब 0 डिग्री का मतलब क्या, ये रहा तुम्हारा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि उसका इनिशियल और टर्मिनल आर्म एक ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, उसका इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म तुम्हारा वही रहेगा, ठीक है, इनिशियल और टर्मिनल आर्म तुम्हारा वही रहेगा, यानी पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, टेक एनी पॉइंट पी ऑन टर्मिनल आर्म एट आर इक्वल्स टू 1 at distance 1 unit from origin। ये वाली लाइन आपने लर्न कर लेना, हर एक एग्जाम्पल में ये लाइन आपको छापनी है, ठीक है, अब आपने समझ लीजिए ये लाइन लर्न कर ली, इसका मतलब r इज इक्वल टू 1 लेना है आपने, ठीक है। अब एक काम करो, r इज इक्वल टू 1 ले लो, ये है आपका पॉइंट, यहाँ पे एक सर्कल बना दो। अब ये पॉइंट क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस है तुम्हारा 1, इज दैट ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस है तुम्हारा 1, तो पॉइंट बन गया बेटा तुम्हारा 1, कॉमा, और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता तो वाई कोऑर्डिनेट बिकम्स 0। समझ में आ रहा ना आपको, मैंने सिर्फ एंगल निकाला, जो 0 डिग्री का एंगल है उसका जो इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म है वो तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस रहेगा, ये तुम्हारा पी ऑफ 1, 0, ये तुम्हारा आर इक्वल्स टू 1। नाउ देखो यहाँ पे ले, नाउ यहाँ पे पी ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होंगे बेटा तुम्हारा, ये तुम्हारा 1, 0, तो एक्स की वैल्यू 1 मिल गई, वाई की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1। और जो मैंने आपको बोला था उस समय पहले वो हम चालू करेंगे, साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बोला ना, साइन थीटा मतलब वाई बराबर आर, कॉस थीटा मतलब एक्स बराबर आर, टेन थीटा मतलब वाई बाय एक्स, कॉट थीटा मत लिखो, सेक थीटा मत लिखो एंड कोसेक थीटा मत लिखो, साइन थीटा बन गया तुम्हारा वाई की वैल्यू 0 बाय 1 बराबर 0, 1 बाय 1 बराबर 1, 0 बाय 1 बराबर 0, कॉट थीटा मतलब टेन का रेसिप्रोकल, सो 0 का रेसिप्रोकल 1 बाय 0, दैट इज नॉट डिफाइंड, सेक थीटा मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय 1 माने 1, और कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज 1 बाय 0 माने नॉट डिफाइंड। यही हमें सब कुछ निकालना है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मैं ये वाली लाइन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आगे चला जाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे दो है 30-60-90 और 45-45-90, ये थ्योरम आप थोड़ा सा याद करो तब तक जब तक कि मैं इसके स्क्रीनशॉट खींचता, ठीक है, कौन कौन सा 30-60-90 क्या रहता है, 30 के सामने वाली साइड क्या रहेंगी थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, 30 के सामने वाली साइड कितनी रहेंगी, 1/2 रहती है, पता है नहीं आपको, ठीक है। वैसे अगर आपको याद भी नहीं आ रहा तो भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, वो ट्रिक आपने ध्यान में रखना है। पहले तो हम इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींच लेते,
30 डिग्री, नंबर टू 30 डिग्री, ध्यान देना आपके पास मैं टेबल होऊंगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कैसे याद करना है कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बोला था, बहुत टाइम हो गया उसको, काफ़ी समय हो गया शायद मेरे हिसाब से, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाते समय इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी, उस समय मैंने आपको बोला था साइन 30 क्या होता है कॉस 30 क्या होता है एंड ऑल ऑफ दैट। वैसे यहाँ पे 30-60-90 का थ्योरम डालना पड़ेगा आपको, और 30-60-90 का थ्योरम क्या है ये आपको मैंने याद करने का थोड़ा सा वक्त दिया था, लेकिन अगर आप फिर भी उसे याद करने में अनसक्सेस हो गए, आप असफल अगर उसको याद करने में हो गए, तो भी मैं एक ट्रिक आपको बताता, वो ट्रिक आते हैं मेरे को, तो यहाँ पे सबसे पहले आओ, पहले तो 30 डिग्री मतलब किधर, तो ये बन गई आपकी 30 डिग्री, और जैसा कि मैंने बोला एंगल दिखे बराबर उसका पारसा कर देना, बताइए आपके घर में थीटा हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, तो चार भाग मेरे को पेड़े ला के देना, चार भाग के अगर थीटा हो गया तो थीटा बन गया आपका 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, लेट वो जो लाइन मैंने बोली वो लाइन आपको यहाँ पे ऐसे टर करके लिख दी, मैं टर ऐसा मैंने लाइन लिख दी यहाँ पे, समझ लो मान लो ऐसा, ये रहा मेरा पॉइंट पी ऑफ, ये रहा तुम्हारा आर, इज दैट ओके, ये पी है समझ लो तुम्हारा एक्स अपॉन वाई, समझ में आ रहा क्या, फिर क्या करना है बेटा आपको, यहाँ से डालना है परपेंडिकुलर, इसको बोलना है एम, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, बाय 30-60-90 ठीक है, पहले तो हमने लेट आर इक्वल टू वन ले लिया है, और आर इक्वल टू वन है अपना, ये ध्यान में रखना है आर इक्वल टू क्या है वन है। अब समझ लो कि तुम रेडियस भूल गए, माने एक्स की वैल्यू भूल गए, मान लो ऐसा एक्चुअल में कैसा होता है, देखो 30 डिग्री की जो सामने वाली जो साइड रहती है, ठीक है ना, 30 डिग्री 30-60-90 क्या बोलता है कि 30 के सामने वाली साइड यानी PM ये हाइपोटेनियस यानी R के 1/2 रहेंगी, बताइए आपको, और 30 की बाजू वाली यानी OM ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस यानी रेडियस के 3/2 मल्टीपल रहेंगे। अब मान लो खुदा ना खास्ता अगर आपके सामने ऐसा कोई पसमंजर में आप फंस गए कि आपको याद ही नहीं आ रहा 30-60-90 थ्योरम क्या है, तो भी मैं आपको एक ट्रिक बताता, आप ध्यान से सुनोगे उस ट्रिक को, साइन थीटा, थीटा मतलब कौन है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कौन है 1/2, कॉस 30 कौन है 3/2, ठीक है ध्यान देना है, ओके okay, अब आर की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, सो तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, अब जबकि आपकी आर की वैल्यू 1 है इसका मतलब है कि जो साइन की वैल्यू आपकी आ गई, साइन मतलब क्या है वाई बाय आर होता है ना, आर इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल वे में ले लेना, देयर फोर वाई बरोबर 1/2 एंड एक्स बरोबर 3/2। अब तुम बोलोगे सर इसका और इसका क्या कनेक्शन क्या है, अरे बाबा कनेक्शन सिंपल है, ये जो ओएम है ना आपका ये एक्स एक्सिस पर है यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जो डिस्टेंस है आपका इसे हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, तो ये रही तुम्हारी ट्रिक जो मैं तुमको बोलने जा रहा था, ये टेबल मैंने आपको बताया हुआ, अगर फिर भी आपके पास में ये टेबल नहीं है या आप उस समय नहीं थे जब मैंने पढ़ाया, तो आपने लॉगरिथम का टेबल आपके पास में होगा उसका पहला पन्ना आपने निकाल लेना, उस पर सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, तो चलो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता, तो ये y की वैल्यू होगी 1/2 और ये x की वैल्यू होगी 3/2, चलो अब आगे क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू एंड टेन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लाइन मार देता, उसके बाद में कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इक्वल्स टू और कोसेक थीटा इक्वल्स टू, सो साइन थीटा है तुम्हारा वाई बाय आर एक्स बाय आर वाई बाय एक्स, ठीक है कॉट थीटा वगैरह छोड़ दो, वाई मतलब 1/2 / 1 मतलब 1/2, 3/2 आर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आएगा आपका वाई की वैल्यू 1/2 अपॉन एक्स की वैल्यू 3/2, ये 2 टकली उत्तर आ गया 1/3। अब देखो कॉट थीटा क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल सो 3/1, सेक माने कॉस का रेसिप्रोकल 2/3 और कोसेक माने साइन का रेसिप्रोकल 2/1,
तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आपको बता रहा, अगर मैं टेक्निकल वे में आपको समझाना चाहूँ तो आपका पूरा जो जो दिमाग है ना ऐसा स्पोर्ट हो जाएगा बूम कर, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको दिमाग में स्पोर्ट कर दूँ, सो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बोल रहा, तो ये आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कंसेप्चुअल पार्ट मैंने इसके पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, आज भी मैंने पहले रिपीट किया था। सो दिस इज योर दिस पार्ट, ओके लो, कोई किसी को कुछ कहना है? गुड मॉर्निंग पोकड़े, ठीक है, कोई पूछना है कुछ पूछना आपको? एनी डाउट कैन आस्क मी? मैं 60 डिग्री की तरफ दौड़ता, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को। फिर से वही आइटम करेंगे अपन। सबसे पहले तो चारवा क्या करेगा, बैठे बैठे लेट बताइयो, आपके घर में चिटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये बनेगा तुम्हारा 45 डिग्री, दिस इज योर 45 डिग्री, ये रही आपकी आर इक्वल्स टू वन, फिर वो अपन एक लाइन मार देंगे, सॉरी एक सर्कल खींच देंगे परपेंडिकुलर एम, और ये आपका ओ, ठीक है। ये आपका हमेशा एक्स रहेगा, ये आपका हमेशा वाई रहेगा। पैरेलल टू वाई हम हमेशा वाई लेते, पैरेलल टू एक्स हम हमेशा एक्स लेते, ठीक है। तो ये थीटा बन गया आपका 45 डिग्री। और आगे हम क्या करेंगे, वो लाइन मार देंगे सट्टा लगा नीचे लाइन लिख देंगे। उसके बाद में क्या करना, डायरेक्टली 45 बोला ना मैंने, 45 इसका मतलब है आपका लिखना पड़ेगा बाय 45 45 90 थ्योरम, ठीक है, बाय 45 45 90 थ्योरम। सो आपको लिखना क्या है, ध्यान दो, समझ लो तुम भूल गए, ओ माय गॉड सब वाइप आउट हो गया। समझ लो, आप पूरा जो है वो भूल गए, इज दैट ओके, समझे भूल गए। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा आपको बोला है, साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2 होता, कॉस 45 डिग्री मतलब 1/√2 होता, साइन 40 माने पाई बाय आर, कॉस 45 माने एक्स बाय आर। और क्योंकि ये सर्वविदित है कि हम r की वैल्यू 1 लेंगे, इसका मतलब है डायरेक्टली आपको गप पर यहाँ पे लिखना है y बराबर रूट टू, पहले x की वैल्यू लिखो, y बराबर 1/√2, और r की जो वैल्यू है वो तो मतलब वो तो गवर्नमेंट रूल है कि r की वैल्यू 1 ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 1 ले लिया, बीच में लाइन मारना, वैसे लाइन मारने के काम मैंने छोड़ दिए वहाँ, मतलब बुक के अंदर, अभी मैंने बोर्ड के ऊपर लाइन मारने के काम चालू किए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा साइन थीटा बराबर वाई बाय आर, मैंने ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा किसी चीज़ को, हाँ मैं कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी बोलने में लगा देता, लेकिन लिखने में मैं हमेशा अनकॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ही बोलूँगा, ठीक है। तो ये आपका साइन थीटा बराबर वाई बाय आर, कॉस थीटा बराबर एक्स बाय आर, टैन थीटा बराबर वाई बाय एक्स, और उसके बाद में कॉट थीटा नहीं लिखूंगा, सेक थीटा नहीं लिखूंगा, कोसेक थीटा नहीं लिखूंगा, सेक थीटा साइन थीटा वाई बाय आर, आर मतलब तो चलो वन ही है, उसको तो गिनना ही नहीं अपने को, और वाई की वैल्यू अपॉन एक्स की वैल्यू, इसको काटा लगा आंसर वन आया। कॉट थीटा माने टेन का रेसिप्रोकल, सेक थीटा माने कॉस का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा माने साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर आप 45 45 90 का थ्योरम भूल भी गए तो भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, और ये सबसे बड़ी ट्रिक है, तो आप इसे रिवाइज करके देख सकते, ठीक है, वीडियो है ही लिखा हुआ, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट भी बोल सकते, पूछ सकते, ठीक है। चलो, वैसे इसमें पूछने लायक कुछ है ही नहीं, मैं पहली सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करके दे रहा आपको।
किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर से 60 डिग्री यानी बाय 36 90, फिर हम यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है। ध्यान देना मैंने क्या बोला था आपको, साइन 60 की वैल्यू निकालो। अच्छा ये तो आर इक्वल्स टू वन तो सबको पता है, सबको पता है आर इक्वल्स टू वन है। साइन 60 कितना होगा, 0 30 45 60, रूट 3/2 यानी ये बन गई आपकी वाई की वैल्यू, और कॉस 60 डिग्री होगा आपका 1/2 यानी ये बन गई आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है ना, ये मैं ट्रिक बता रहा, जिसको 30 60 90 आता हो तो डायरेक्टली लिख सकता। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले लिखते हम 1/2, y की वैल्यू 3/2 और r इक्वल्स टू 1। सो ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन खेलना, एक कैलकुलेशन करो भाई, दोन कैलकुलेशन करो, त्या नंतर कॉट थीटा लिहू, नंतर शेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, कॉट थीटा मतलब टेन का रेसिप्रोकल 1/2, शेक थीटा मतलब कॉस का रेसिप्रोकल 2/1, कोसेक थीटा मतलब साइन बार का रेसिप्रोकल 2/3। तो ये सारी लिख दिया मैंने। ठीक है, 60 डिग्री। अब जो आगे है 150 डिग्री, अब ये मैं आपको बोलूँगा, आप इसका खींच लो फोटो पहले, या मैं खींच लेता। किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते, इफ़ यू वांट टू आस्क प्लीज़ डोंट शाय टू शेयर। और सोना मना है, ठीक है, सोना मना है। नेगेटिव के मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं नेगेटिव के नहीं लूंगा अभी फिलहाल, हाल फिलहाल तो नहीं लूंगा नेगेटिव के, थोड़ा सा रुक के अपन लेंगे -30 वगैरह वगैरह, फिर आपको वो करते आ जाएंगे आगे के सारे माइनस वगैरह वाले। सो अभी फिलहाल तो मैं लूँगा 150 वाला। क्या है वन, अच्छा 150 डिग्री जो है तुम्हारा, कितने नंबर का है मुझे पता नहीं यार, अभी मैं भूल भी गया, काउंटिंग भी भूल गया, वहाँ पे कैसा काउंटिंग नहीं है, पूरा कॉमा कॉमा करके दिया हुआ है, 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर का ये। सो थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री, तो जैसा कि आपको पता है कि इसे हम लिख ही नहीं सकते, तो इसे 90 + 60 में लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने इसके पहले भी आपको ये पढ़ाया हुआ है। सो वेयर इज योर 90 + 60, मतलब ये जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में आके पूछते वो लाइन तारा वाली लाइन लिख लेना, ठीक है, कि सर पॉइंट तो हम ले लेते हैं आर इक्वल्स टू 1 इतने डिस्टेंस पर प्रॉब्लम ये है कि परपेंडिकुलर कहाँ डाला जाए, वहाँ तो समझ में आ जाता वाई पे डालूँ कि एक्स पे डालूँ। तो हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ से परपेंडिकुलर हमेशा एक्स पे ही जाएगा, चाहे तुम कहीं भी हो, ठीक है ना। और एंगल लेते समय भले ही हम परपेंडिकुलर एंगल ये पकड़ेंगे, सॉरी 150 डिग्री, लेकिन काम का जो एंगल है हमारा वो एंगल है ये, ये कितना रहेगा और बोलो बोलो, हम इसे थीटा बोलेंगे न कि इसे थीटा बोलेंगे, समझ में आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको 150 डिग्री से निकालना है ना, तो आप अच्छा अच्छा एक सेकेंड, अगर किसी को प्रॉब्लम है
तो मैं बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। देखो चलो मैंने इसको थीटा बोला, कोई इशू नहीं है, ठीक है मैंने थीटा बोला। देखो कंसेप्ट क्या है कि एंगल के टर्मिनल आर्म पर जो मैं पॉइंट ले रहा उसी के रिस्पेक्टिव 150 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, लेकिन जब मैं ऐसा करूंगा तो परपेंडिकुलर मुझे एक्स एक्सिस पर ही डालना है, और एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालने के रंग में जो भी मेरा ट्रायंगल फॉर्म बनेगा उस क्वाड्रिलैटरल फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, मुझे जो थीटा लेना पड़ेगा वो 150 डिग्री के साथ में जो लीनियर थीटा है, लीनियर समझते हैं तुमको, जो लाइन मारता है, सॉरी एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर एंगल या कोलिनियर एंगल, तो इसके साथ में जो कोलिनियर एंगल बनता वो मेरे काम का है। सो 150 के साथ में जो बनेगा तुम्हारा वो है 30 डिग्री, ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब क्योंकि ये 30 डिग्री है इसलिए मुझे इन ट्रायंगल फॉर्म बाय 30, 60, 90, तो इसे हम बोलेंगे x और इसे हम बोलेंगे y। मेक श्योर दैट यहाँ पे जो x है दैट इज द लेंथ ऑफ OM, यानी आपका x बनेगा यहाँ पर, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा, तो 30 डिग्री cos 30 यानी 0, 30 मुझे √3/2 30, 60, 90, मैंने अभी बोला आपको x और y कैसे निकालना, और y बन गया आपका 1/2, लर्न मत करना उसको, एकदम सिंपल है, साइन 30 बाजू वाला, साइन 30 के बाजू में देखो ना कौन है, एक्स है ना, तो साइन कॉस 30 लेना, कॉस माने बाजू वाली, सो कॉस 30 ये बन गई आपकी एक्स की वैल्यू, साइन 30 माने सामने वाली वैल्यू, 0, 30 √3/2 ये बन गई आपकी एक्स और वाई। लेकिन जो एक्स आपको चाहिए वो एक्स ये एक्स नहीं है, ये लेंथ ऑफ एक्स है, बट आपको जो x चाहिए वो है बट पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव रहता, देयरफॉर x बराबर -√3/2 और y बराबर +1/2, इज दैट ओके, समझी गया कि नहीं समझी गया। जो x है तुम्हारा वो नेगेटिव है और जो y है तुम्हारा वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा तुम्हारा y बाय r, कॉस थीटा आएगा तुम्हारा x बाय r, और टेन थीटा आएगा तुम्हारा y बाय x। मैं फिर से यहाँ पे मारूंगा लाइन, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सो व्हाट इज योर साइन थीटा, ये आएगा बेटा आपका 1/2 / 1, 1/2, x आएगा आपका -√3/2 और ये आएगा आपका -√3/2 और cot मतलब tan का रेसिप्रोकल -√3/1, sec थीटा मतलब cos का रेसिप्रोकल -2/3, cosec थीटा मतलब sin का रेसिप्रोकल 2/1, समझ में आ रहा क्या आपको, हाँ बोलो बोलो, ठीक है। सो ये एक काफी संभला हुआ एग्जांपल है और जो मैं बातें बता रहा वो भी काफ़ी संभली हुई है, तो ये ध्यान में रखना, भले आप पॉइंट मत लिखो, आप सीधा सीधा कैपिटल P लिखो, ठीक है ना। ये जो है आपका ये 30, 60, 90 है, और इसके बाद में ये जो पॉइंट है आपका, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसके हिसाब से आपकी x पॉजिटिव या y नेगेटिव ये आपको तय करना है, जो कि मैंने कौन क्या कब पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, इज दैट ओके। सो आई थिंक कि बाकी बचे एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, या मैं ऐसे आशा करूँगा कि आप उसे सॉल्व करो, ठीक है, ठीक है, चलो बाय। तो तुझा प्रॉब्लम आहे श्रावणी, इकडे सगळं व्यवस्थित आहे।